नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बूंदी की जो लड्डू होती है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आज मैं आप सभी को बूंदी की लड्डू कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनीषा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। दोस्तों, बूंदी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 10 किलो चने का बेसन लिया हुआ है और इस बेसन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं। इसको काफी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और काफी पतला घोल तैयार करना है, जिससे जो कि बूंदी के लड्डू काफी अच्छे बने। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतले करने हैं इनको। चने का बेसन हमारा बिल्कुल एकदम मिक्स होकर तैयार है छानने के लिए। इसको इधर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गरम हो रहा है। तेल गरम हो चुका है और इसमें हम जो है कि पौने की सहायता से या छन्नी की सहायता से हम इसे इसमें छानेंगे, जिससे कि छोटे छोटे गोलाकार में ये छन जाए। बीच में इसे हम चला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धीमी आंच पे ही हम इसे पकने देंगे, जिससे इसके कलर अच्छा रहे। ये देखिए, अब ये हो चुका है। अब इसे हम जो है कि छान के बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह पौने की सहायता से हम सभी को अच्छी तरह से छान लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है ये। ये जितनी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है और जितना अच्छा लगता है ये देखने में, खाने में वाकई में इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। बूंदी के लड्डू जो है कि हर वर्ग के लोग इसे खाना पसंद करते हैं और ये सूखी मिठाई भी होती है। आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख भी सकते हैं और मीठे के हिसाब से आप अपना हिसाब से आप टेस्ट भी डाल सकते हैं। कम मीठा, ज़्यादा मीठा आप कर सकते हैं, जिससे जो है कि सभी लोग खा सकें। डायबिटीज वाले लोग भी अगर कम मीठा रहेगा तो वो भी खा सकते हैं। ये देखिए, बूंदी के हमने छान लिया है यहाँ पे बेसन को और हमने यहाँ पे दो कलर में से छाना है, रेड कलर और येलो कलर है, जिससे जो है कि हम बूंदी का लड्डू हमारा देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हम इसे आपस में मिला लेंगे तो ये दो कलर में हो जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह से। और मीठा करने के लिए हम यहाँ पे सीरा गला रहे हैं इसको और इसमें हम जो है कि दूध भी डाल देते हैं
जिससे जो इसका मैल होता है सीरा का वो बाहर निकल जाए आसानी से और हमारा सीरा जो है कि साफ और शुद्ध हो। तो सीरा भी हमारा करीब करीब बन के तैयार हो चुका है। ऊपर जो झाग आ रहा है हम उसको पौने की सहायता से छान के बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें। अब सीरा में जो है कि हमने जो छाने हुए थे बेसन उसको जो है कि हम इसमें डाल देंगे। दोनों कलर में हमने जो बूंदी छाने थे उसको इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें सीरे में जो है कि ये पूरी तरह से घुल जाए और बराबर मात्रा में सभी में मिठास आ जाए। देखिए रेड कलर का जो बूंदी था उसको भी हम इसमें डाल दिए हैं और अब ये कितना अच्छा लग रहा है ये जब हम इसे मिक्स करते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है ये रेड और येलो का मिलके बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। अब इसे हम जो है कि बर्तन में बाहर फैला लेंगे जिससे जो है कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप भी घर पे बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है और ये जल्दी बन भी जाता है। अब इसमें हम छोटी इलायची पीस कर डालते हैं जिससे इसकी सुगंध और स्वाद दोनों बढ़ जाए। इसके साथ साथ हम इसमें गुलाब जल को भी मिलाते हैं। गुलाब जल से भी इसका सुगंध और स्वाद में काफी अच्छा हो जाएगा। इन सभी को मिलाने के बाद अच्छी तरह से फिर से हम एक बार मिला लेंगे इसको। अब लड्डू में मिलाने के लिए हम लोग जो है कि खरबूजे का बीज जो है उसको लिए हुए हैं और उसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। खरबूजे का बीज भी हम इसमें लड्डू में डाल देते हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। आप लोगों ने देखा होगा खरबूजे का बीज जो कि रहता है बूंदी के लड्डू में बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में। इसका स्वाद और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब ये हल्का ठंडा हो जाए हाथों से बनाने लायक और छूने लायक हो जाए तब हम इसे लड्डू का आकार देंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों की सहायता से दोनों आप घुमा घुमा के आप लड्डू का आकार दे के आप इसे बना सकते हैं। आप लड्डू को जो है कि आप अपने अनुसार जो है कि छोटा बड़ा करके बना सकते हैं।
देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल एक साइज के लग रहे हैं, ये लड्डू बन रहे हैं सब। दोस्तों वाकई में ही बहुत मजा आ रहा है देख के, खाने में ही उतना ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप सबको एक बार फिर से हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली दियो से जगमग हो, इसी उम्मीद के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।